दोस्तों मेरे हाथ में जो आज मॉइस्चराइजर है वो एम्ब्रॉयलेस है, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉइस्चराइजर है, मल्टीपर्पज़ यूजने वाला मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत ही यानी कि ज़्यादा इसके लोग यूज़र हैं और इसे पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरोज़ ब्यूटी, और आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही बड़ा ब्रांड का बहुत ही खूबसूरत मॉइस्चराइज़र शेयर करने वाला हूँ, जो कि अपनी क्वालिटी के लिहाज से, अपने टेक्सचर के लिहाज से, अपने इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉइस्चराइज़र, और ये मल्टीपर्पज़ यूज होने वाला मॉइस्चराइज़र है जिसकी आज इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। व्यूअर्स, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें, और वीडियो को थ्रू अपन तक लाजमी देखिएगा। इस प्रोडक्ट के प्राइस, ML, क्वालिटी, क्वांटिटी, कहाँ का ये मेड है, इसमें क्या खूबियाँ, वो सारी आपके साथ चला डिटेल के साथ आज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। व्यूअर्स, मेरे हाथ में जो आज मॉइस्चराइज़र है वो एम्ब्रॉयलेस है, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉइस्चराइज़र है, मल्टीपर्पज़ यूज होने वाला मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत ही यानी कि ज़्यादा इसके लोग यूज़र हैं और इसे पसंद करते हैं। किसी भी एज के इससे टोलों को, किसी लड़की का या जेंट्स हज़रात का, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ की बात करें तो इसके जो क्वालिटीज़ हैं, इस मॉइस्चराइज़र को आप एज़ आ मॉइस्चराइजिंग क्रीम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर शेव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकअप बेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। मेकअप बेस का मतलब है कि आपने फाउंडेशन लगानी है तो आप उससे ये मॉइस्चराइज़र आप फाउंडेशन से पहले यूज़ कर लेंगे तो आपके मेकअप में क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छी तरह आपकी स्किन रेडी हो जाएगी मेकअप के लिए, और बहुत ही खूबसूरत बेस का टेक्स्चर बनेगा चेहरे के ऊपर। उसके अलावा इसे एज आ मास्क यूज़ कर सकते हैं, एज आ क्लिनजिंग मिल्क के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसी खूबी है कि इसे एज आ क्लिनजिंग मिल्क के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आफ्टर सन स्किन केयर के तौर पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एलोवेरा है, इसके जो मोस्ट एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स हैं उसमें एलोवेरा है, बीज वैक्स है इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें शिया बटर मौजूद है। अब शिया बटर स्किन को नॉरिश करता है अच्छी तरह, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है अच्छी तरह, ये स्किन आपकी फर्म रहती है, इससे स्किन के ऊपर प्लम्पिंग इफेक्ट रहता है। बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है शिया बटर। एलोवेरा आपकी स्किन को स्मूदिंग इफेक्ट देता है, स्किन के ऊपर रेडनेस नहीं आने देता, स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज रखता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट रखने के लिए, स्किन के बैरियर के लिए बहुत ही खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस मॉइस्चराइज़र में मौजूद होते हैं। फ्रांस का ये ब्रांड है, कौन सा, एम्ब्रॉयलेस स्किन केयर, मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसकी ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हॉट रनिंग क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, ऑन डिमांड सेल आउट होती है। इसे एज आफ्टर शेव के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शेव वगैरह करते हैं, जो रिजर्व वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसे एज आफ्टर शेव क्रीम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शेव वगैरह करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफ़ सी हो जाती है, तो ये मॉइस्चराइज़र अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपकी स्किन स्मूथ भी होगी, सफल भी होगी, अच्छी तरह स्किन हाइड्रेट भी रहेगी इस मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करने के बाद। इसके अलावा इसके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद हैं, बड़े मल्टी विटामिन हैं इसके अंदर, जो आपकी स्किन को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि इंग्रेडिएंट्स हैं जो चेहरे के लिए इंतहाई इफेक्टिव हैं, जिनका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। नॉन कमोडिटी यानी कि ये प्रोडक्ट है एम्ब्रॉयलेस जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंटरनेशनल हाई लाइफ ब्रांड्स की ये प्रोडक्ट है जो आज आपके साथ शेयर की जा रही है। व्यूअर्स, फ्रांस का ये ब्रांड और 75 ml की ये क्रीम है, क्वांटिटी वाइज 75 ml है, मेड वाइज ये फ्रेंच ब्रांड है, और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आप अच्छे मॉइस्चराइज़र की तलाश में, बेशक चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, बहुत सेंसिटिव स्किन है आपकी, और आप एक अच्छा नॉन कमोडोजेनिक मॉइस्चराइज़र की तलाश में है, तो आप ये मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करके देखें। एम्ब्रॉयलेस ब्रांड का ये मॉइस्चराइज़र है, हॉट रनिंग प्रोडक्ट है, इसे एज आ नाइट स्लीपिंग मास्क के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ मॉइस्चराइजिंग के तौर पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लिटिल बिट एक्सपेंसिव ज़रूर है, एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इसके रिज़ल्ट भी उसी लेवल के हैं जो आप यानी कि जो आपकी डिमांड है कि क्रीम लगाएं, फौरी तौर पे स्किन मॉइस्चराइज भी हो, अच्छी तरह हाइड्रेट भी हो, स्किन के ऊपर प्लम्पिंग इफेक्ट भी आ जाए, और आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरली ग्लो मेंटेन होना शुरू हो जाए, तो उसी तरह की ये प्रोडक्ट है। कौन सी, एम्ब्रॉयलेस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये।
तो व्यूवर्स ये जो क्रीम है अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो ये आपको तकरीबन 9,995 रुपये की या 9,000 रुपये से लेकर 10,000 की रेंज में बासानी हर बड़े अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर से बासानी मिल जाती है। आप लाजमी यूज़ करके देखें, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, एज के हर हिस्से में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आज आपके साथ शेयर की जा रही है इस चैनल इरोज़ ब्यूटी के ऊपर। फर्दर आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मेरी कोशिश होगी एज सून एज पॉसिबल आपको आपके उस सवाल का रिप्लाई कर सकूँ। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड की किसी नई प्रोडक्ट के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।